नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। रंजू की रेसिपीज चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े, प्याज के पकोड़े, बिना बेसन के प्याज के पकोड़े, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो आइए जानते हैं बिना बेसन के प्याज के पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए। बिना बेसन के प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, इसे मैंने छील लिया है, मैदा, सूजी, दही, धनिया, इसे भी मैंने धो के काट लिया है, काली मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन, ये ऑप्शनल है, जीरा पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, खावा सोडा, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ये फ्लफी बनाता है, और तलने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए तेल। बिना बेसन के प्याज के पकौड़े बनाने के लिए पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं। जो जो मैंने सामग्री आपको दिखाई थी उस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैदा एक कटोरी, सूजी, अगर आप एक कटोरी मैदा ले रहे हैं तो आधा कटोरी सूजी लेंगे, नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर आधा चम्मच, अजवाइन ऑप्शनल है, इसे हम थोड़ा सा हाथ में लेके इस तरह से मल के डालेंगे, खावा सोडा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इसे डालने से ये फ्लफी होता है तो ये टेस्ट में और भी अच्छा लगता है, जीरा पाउडर, इसे भून के मैंने पीस लिया है, ये भी थोड़ा सा। अब इन सबको मिलाने के लिए दही, दही डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे दही से ही अच्छे से मिक्स करके बैटर बनाना है। आप चाहे तो हल्का सा उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे बैटर बना के। इसमें मैं प्याज अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्याज ऐड करने से इसमें पानी छोड़ देगा, फिर वो बैटर पतला हो जाएगा, फिर पकौड़े अच्छे से बनेंगे नहीं। ये मेरा ये हो गया है, इसमें अब थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल रंजू की रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इससे मेरे जो भी नई रेसिपी आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ये देखिए हमारा बैटर अब तैयार हो रहा है, इसमें थोड़ा सा और हम पानी ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। ये बैटर मेरा बन गया है अच्छे से। अब इस बैटर को हम आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो मैंने दही मिलाया है उससे उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा, और ये खमीर उठेगा तो और भी टेस्टी आएगा होगा, इसलिए अब हम इसे ढक देते हैं। मैंने जो बैटर बनाया था उससे आधा घंटा हो गया है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से ये हो गया है, इसमें खमीर उठ गया है। अब जो मैंने प्याज आपको दिखाया था उसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, इसे भी मिला लेंगे। धनिया पत्ती, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखने में अच्छा लग रहा है ना, इसमें मैंने हल्दी नहीं डाला है। आपने गौर किया होगा कि पकौड़े में हल्दी नहीं डाला है, इसमें हल्दी नहीं डालना है, इसीलिए मैंने हल्दी नहीं डाला है। देखिए इसे मैंने मिला लिया है, जैसे हम पकौड़े का बैटर बनाते हैं उसी तरह हमें इस बैटर को भी कर लेना है।
ये बैटर तैयार है। अब हम इसको तलने के लिए फ्लेम ऑन कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें तेल डाल दिया है, तेज आंच पे इसे गरम कर लेते हैं। हमारा तेल गरम हो गया है, इसे अब मीडियम आंच पे रखेंगे। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। थोड़ा सा हाथ पानी से गीला कर लें। आप अपना शेप दे सकते हैं, छोटा बड़ा, जैसा भी आपको शेप पसंद हो पकोड़े में। मैं इस तरह का डाल रही हूँ। ज़्यादा तेज आँच ना रखें, नहीं तो पकोड़े नीचे से जल जाएंगे, इसलिए मीडियम आँच ही रखना चाहिए पकोड़े बनाते समय। धीरे धीरे हाथ थोड़ा ऊपर से ही रखें, नहीं तो उंगली जल सकती है, तेल बहुत गर्म होता है। हो गया ये हमारा। अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। ये देखिए हल्का गुलाबी हो गया है, इसे पलट लें। ये एक अच्छा स्नैक्स होगा कि आप इसके साथ चाय लें, इसे बनने दें। हम दूसरे बर्नर पे तब तक फ्लेम ऑन करके चाय तैयार कर लेते हैं। ये मैंने रख दिया है, इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे, इसे उबलने दें। यहाँ देखिए हमारा पकौड़ा भी तैयार हो रहा है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। एक तरफ से और हम ब्राउन करेंगे इसे। इधर हमारा पानी गर्म हो गया है, इसमें हम चाय पत्ती को पहले डालकर उबाल लेते हैं। ये देखिए हमारा रेडिश गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे थोड़ा सा और पकाना है कि अंदर कच्चा ना रह जाए, इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ देखिए हमारी चाय पत्ती अच्छे से उबल गई है। मैंने ये कद्दूकस किया अदरक रखा है, उसे डाल देते हैं। इसे भी हम उबाल लेंगे अच्छे से। हमारा पकौड़ा हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे बैटर को बना लेते हैं पकौड़ा। देखिए मेरा चाय अच्छे से उबल रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा पहले पानी मिलाती हूँ, उसमें फिर चाय पत्ती डाल के खोला लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया उबालती हूँ, क्योंकि उसमें वो फ्लेवर और उसका जो टेस्ट होता है वो अच्छे से आ जाए। उसके बाद अब ये उबल गया है, हम इसमें दूध डाल लेंगे, फिर इसे भी अच्छे से खोला लेंगे। यहाँ देखिए हमारा पकौड़ा भी हो रहा है, अच्छे से फ्राई हो रहा है ये। इसमें आप दही डालना मत भूलिएगा, इसी से इसका फ्लेवर आएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसने दही डाला, क्यों डाला, तो दही से ही इसका फ्लेवर आता है। इधर मेरा पकौड़ा हो रहा है, इधर मेरा चाय हो रहा है, मीडियम आंच पे दोनों हो रहे हैं। आप दोनों बर्नर को अच्छे से यूज़ करके शाम का स्नैक्स तैयार कर सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये हमारा होने वाला है, इसे थोड़ा सा एक बार हम और पलट लेते हैं। इसे पकाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने मैदा डाला है और रवा डाला है, तो कच्चा ना रहे, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारी दूसरी खेप भी तैयार हो गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरह सारे बैटर को हम पकौड़ा बना लेंगे।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरे जो भी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हमारा चाय अच्छे से उबल गया है, खुशबू अच्छी आ रही है, अभी बनने की तैयारी में है। इसमें अब हम अपना चीनी डालेंगे। हमारी तीसरी घानी भी पकौड़ा तला रहा है, इधर हमारा चाय भी खौल गया है अच्छे से। बिना बेसन का प्याज का पकौड़ा हमारा तैयार है, साथ में चाय। देखिए कितना अच्छा कलर आया है चाय का और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप घर पे ज़रूर ज़रूर बनाएं इसे, इसे आप शाम के स्नैक्स में खाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ, मेयोनीज या चिली सॉस के साथ भी ले सकते हैं। तो देखा आपने, बिना बेसन के प्याज के पकौड़े भी बनते हैं और ये खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। इसे आप घर पे बनाकर ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो एक बार फिर से इसे बनाने की आवश्यक सामग्रियाँ फिर से नोट कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो रंजू की रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भेजें, प्रश्न पूछें और शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया।